गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख ग्लेशियर। और देखो यहां से वन लाइन क्वेश्चन बनता है, बहुत डिटेल तो पूछी नहीं जाती हुई इसकी। और आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें भाई, और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें, नहीं तो जो कमी है उस कमी को बताएं कमेंट करके। देखते हैं देखो भारत के ग्लेशियर के बारे में। ग्लेशियर को आप हिमानी भी कह सकते हैं भाई, या हिमनद भी कह सकते हैं, ठीक है, और इसी को ग्लेशियर कह सकते हैं आप। मुख्य रूप से होता क्या है पहले तो यही समझे आप, ग्लेशियर होता क्या है। अगर ग्लेशियर की बात करें हम, तो इसे इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर जो विशाल आकार के गतिशील, हमेशा कोई भी ग्लेशियर हो सदैव गतिशील होता है, कभी भी स्थिर नहीं होता। पहली बात तो यही याद रखें, पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार के जो गतिशील बर्फ की राशि होती हैं उन्हीं राशि को हम ग्लेशियर कहकर पुकारते हैं। आप बिल्कुल सीधे शब्दों में समझें, पृथ्वी की सतह के ऊपर विशाल आकार की जो गतिशील बर्फ की राशि होती हैं, उन राशियों को ही हिमानी या हिमनद कहकर पुकारा जाता है। और गतिशील होती हैं तो ये गति किस प्रकार से करती हैं, तो इनके गति करने की जो दिशा होती है, आप ये एक पहाड़ मान सकते हैं और इस पहाड़ के ऊपर ये हिमानी को मान सकते हैं। तो बिल्कुल जो ढाल है आपका पहाड़ के ढाल की दिशा में ये गति करती है, सही है। तो आप याद रखेंगे, कोई भी हिमानी सदैव पर जो पहाड़ होता है पहाड़ के ढाल का अनुसरण करती है, और उसी का अनुसरण करते हुए ये गति करती है। और इसके गति की दर क्या होती है ये भी आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं है कि 1 किलोमीटर तय करके नीचे आ गया एक दिन में, मात्र 8 से 10 सेंटीमीटर से लेकर मैक्सिमम, ये तो मिनिमम हो गया, मिनिमम 8 से 10 सेंटीमीटर फिसलेगी ऊपर से नीचे की ओर, और मैक्सिमम 30 सेंटीमीटर ऊपर से नीचे की ओर बर्फ फिसल सकती है। तो आप इस बात को याद रखना। और बर्फ तापमान के साथ साथ पिघलती भी है, तापमान के साथ साथ पिघलती भी है। और अगर भारत में देखो, ये वन लाइन क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, भारत में सबसे तीव्र गति से पिघलने वाली जो ग्लेशियर है वो ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। तो आप इसे याद रखें जरा, जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो भारत की सबसे तेजी से पिघलने वाली ग्लेशियर में से एक है, आप याद रखेंगे। और आप जानते हैं गंगोत्री ग्लेशियर को, यहीं से गंगा नदी की मंदाकिनी जो जलधारा है, मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है। तो इस बात को थोड़ा सा आप याद रखें। और देखो ग्लेशियर के बारे में क्या कहा जाता है भाई, जो ग्लेशियर होते हैं ग्लेशियर के बारे में यह कहा गया है कि मुख्य रूप से इनकी जो लंबाई होती है वो 4 से 5 किलोमीटर के बीच में होती है, मैक्सिमम 5 किलोमीटर तक की लंबाई होती है, लेकिन रेंज में चलते हैं ये, एक पहाड़ी फिर दूसरी पहाड़ी फिर तीसरी पहाड़ी, इस प्रकार से चलते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। जबकि चौड़ाई के हिसाब से 1.5 से लेकर 4 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई संभव होती है, 1.5 से लेकर 4 किलोमीटर तक की किसी भी ग्लेशियर की चौड़ाई संभव होती है। तो ये एक दो बातें हैं, आप इन्हें याद रखना। इसके बाद एक शब्द और आता है जो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा भाई, हिमरेखा, सही है। इस हिमरेखा को, इसे स्नोलाइन बोलते हैं, स्नोलाइन, तो आप याद रखें स्नोलाइन क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। देखो कोई भी ग्लेशियर है, ग्लेशियर सतह पर मैदानों में नहीं पाए जाते, पहली बात तो आप ये समझें, ग्लेशियर कभी भी ना तो मैदानों में पाए जाते हैं और ना ही पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ग्लेशियर सदैव पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ग्लेशियर सदैव कहाँ पाए जाएंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में, याद रखना।
ना तो कभी मैदानों में आपको ग्लेशियर मिलेंगे, ना ही पठारी क्षेत्रों में आपको ग्लेशियर मिलेंगे। ग्लेशियर सदैव कहाँ मिलेंगे भाई? पहाड़ी क्षेत्रों में। और इसलिए आप क्या ये कह सकते हैं भाई, जो उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, बिहार, पंजाब, ये सारे के सारे क्षेत्र कैसे हैं? मैदानी क्षेत्र हैं, इसीलिए यहाँ पर भी कोई ग्लेशियर नहीं होगा। और पूरे का पूरा दक्षिण भारत कैसा है? पठारी क्षेत्र है, तो वहां पर भी कोई भी ग्लेशियर नहीं होगा। तो ग्लेशियर मुख्य रूप से कहाँ पाए जाएंगे भारत में? हिमालय क्षेत्र में। भारत में कौन सा विशाल पर्वत है भाई? आप जानते हैं भारत में एकमात्र विशाल पर्वत है हिमालय। कौन सा है? हिमालय। यानी कि ग्लेशियर भी कहां पर देखने को मिलेंगे हमें? हिमालय में ही देखने को मिलेंगे। तो पहली बात तो यही क्लियर हो गई कि भारत में जितने भी प्रमुख ग्लेशियर हैं वो सारे के सारे कहां मिलेंगे? हिमालय में। और हिमालय भारत में किन राज्यों में प्रमुख रूप से है? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र जो कहते हैं जिसे हम, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। मुख्य रूप से हिमालय का विस्तार इन्हीं राज्यों में पाया जाता है। तो इन्हीं राज्यों में हमें ग्लेशियर पड़ने हैं। अब देखो हिमरेखा की बात करते हैं। हिमरेखा क्या होती है? तो इतना तो समझ गए आप कि ग्लेशियर मुख्य रूप से कहां पाए जाने वाले हैं? पर्वतों में। तो एक पर्वत आप ये मानकर चल सकते हैं ये पर्वत है भाई, सही है? और इसी के ऊपर किसका निर्माण हो गया? ये ग्लेशियर का निर्माण हो गया इसी के ऊपर, सही है? तो ग्लेशियर की जो निचली सीमा है, ग्लेशियर की जो निचली सीमा है, ये पूरे का पूरा ग्लेशियर है। ये पूरे का पूरा ऊपर को ग्लेशियर है, ये चट्टानी भाग है, चट्टानी भाग पर्वत का, और इसी के ऊपर किसका विकास हो चुका है? ग्लेशियर का विकास। और आप ये भी याद रखें ग्लेशियर प्योर बर्फ के नहीं होते हैं, किसी भी पर्वतीय चट्टान के ऊपर निर्मित होते हैं, किसी भी पर्वतीय चट्टान के ऊपर निर्मित होते हैं। तो पर्वतीय चट्टान के ऊपर ग्लेशियर की जो निचली सीमा होती है उसी को सिनोलाइन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? सिनोलाइन बोलते हैं, यानी कि हिमरेखा के नाम से जानते हैं। और आपने किताबों में बहुत पढ़ा होगा भाई हिमरेखा इतने से इतने तक पाई जाती है, इतनी ऊंचाई से, तो ये स्थिर नहीं होती। पहली बात तो आप यही समझें कि स्नोलाइन स्थिर नहीं होती है, अपितु ये जो है बहुत सारी स्थितियों पर निर्भर करती है। किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है, और वहां की स्थलाकृति पर निर्भर करती है, स्थलाकृति पर निर्भर करती है, वहां वर्षण की मात्रा कैसी है, वर्षण की मात्रा मतलब वहां पर वर्षा कितनी मात्रा में होती है, और आप और भी देख सकते हैं वहां के अक्षांश किस प्रकार से हैं, किस अक्षांशों के बीच वो क्षेत्र है, अक्षांशों का प्रभाव देखो क्या प्रभाव है। आप जानते हैं ये आपकी विषुवत रेखा है, यहाँ पर ग्लेशियर नहीं क्योंकि गर्म क्षेत्र है, जबकि ध्रुव के क्षेत्र में प्योर ग्लेशियर होते हैं, मतलब सारे का सारा बर्फ जमा होता है। क्यों? ये उच्च अक्षांशों पर है और ये निम्न अक्षांशों पर है विषुवत रेखा। तो अक्षांश रेखा भी बहुत ज्यादा प्रभावित करती है किसी भी क्षेत्र की हिम रेखा को। तो आप याद रखेंगे वर्षण की मात्रा भी इसे प्रभावित करती है। अभी हम देखेंगे वर्षा की मात्रा के कारण ही, वर्षा की मात्रा के कारण ही पश्चिमी हिमालय में, पश्चिमी हिमालय में अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है ये जो हिमरेखा है। आप याद रखना क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पूर्व की जो हिमरेखा है वो पश्चिम की हिमरेखा से निचली है या फिर पश्चिम में अधिक ऊंचाई है हिमरेखा की, जबकि हिमालय में पूर्व में इसकी कम ऊंचाई है। तो कारण पूछा गया है भाई आपसे, तो इसका क्या कारण है प्रमुख? सॉरी, इसका प्रमुख कारण क्या है? आप याद रखेंगे वर्षण की मात्रा, जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है और अधिक वर्षा के कारण यहां पर हिमरेखा थोड़ी सी निचली है, जबकि पश्चिम दिशा में वर्षा कम होती है। आप जानते हैं लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है, इसीलिए यहां पर हिमरेखा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। पहला कारण ये है। तीसरा, वहां पर वर्षा के कारण जो वनों की स्थिति है, जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर वन अधिक पाए जाते हैं, और अधिक पाने के कारण यहाँ का तापमान क्या होता है? यहाँ का तापमान कम। तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में हिमालय क्या है?
कम है, पश्चिमी क्षेत्र में हिमालय कम है, इस बात को भी आपको याद रखना है। ये तीन चार बातें। इसके बाद देखो एक छोटी सी बात और याद रखें, जो पश्चिमी हिमालय है, पश्चिमी हिमालय में जो हिमालय का उत्तरी भाग है, मतलब हिमालय के पीछे का क्षेत्र, तो जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पर अधिक ऊंचाई है, हिमरेखा की और अधिक ऊंचाई है। उसका कारण ये है, ये वाला क्षेत्र बिल्कुल शुष्क है। ये वाला क्षेत्र कैसा है? बिल्कुल शुष्क है और यहाँ पर वनों की उपलब्धता कम है। जो हिमालय है, हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में, मतलब तिब्बत की ओर, सही है, तो तिब्बत की ओर वनों की उपलब्धता कम है और साथ ही साथ शुष्क क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पर जो हिमरेखा है वो कैसी है? अधिक ऊंचाई पर है, मतलब ग्लेशियर बहुत छोटे छोटे हैं। अधिक ऊंचाई पर मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, ये धरातल है, यहाँ पर हिमरेखा है, बहुत नीचे है, तो ग्लेशियर बहुत बड़ा हो गया। अगर ये हिमरेखा थोड़ी सी ऊंचाई पर अवस्थित है तो ग्लेशियर और छोटा हो गया भाई, जबकि हिमरेखा की ऊंचाई क्या हो गई? बढ़ गई। तो आप याद रखें, हिमरेखा की ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ग्लेशियर कैसा होता जाएगा? वैसे वैसे छोटा होता जाएगा। तो ये बात समझ पा रहे हैं? यानी कि हिमालय के उत्तर दिशा में देखेंगे तो ग्लेशियर छोटे हैं और हिमरेखा अधिक ऊंचाई पर है, जबकि दक्षिण की ओर यानी कि भारत की ओर आप देखेंगे तो शुष्क क्षेत्र ना होकर वर्षा वाले क्षेत्र हैं और वनों की उपलब्धता ज्यादा है, इसीलिए हिमरेखा नीचाई पर अवस्थित है, मतलब नीची है, तो ग्लेशियर थोड़े से कैसे मिलेंगे आपको? ज्यादा ऊंचे मिलेंगे। तो यही चीजें पूछी जाती हैं आपकी किससे? हिमरेखा से। अब अगर पूरे हिमालय क्षेत्र की औसत हिमरेखा की बात करें, पूरे हिमालय क्षेत्र की औसत हिमरेखा की बात करें, तो आपको याद रखना है 4300 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक, 4300 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक हिमरेखा की ऊंचाई है। याद रखना, पूरे हिमालय की औसत, यानी कि चार क्षेत्र हैं हिमालय में, एक तो काराकोरम, महान हिमालय, मध्य हिमालय और दक्षिणी हिमालय, सबका औसत निकालें तो हिमरेखा की ऊंचाई कितनी आती है? 4300 से 6000 मीटर के बीच में। जबकि इसमें अगर केवल महान हिमालय को हम देखें तो इसकी ऊंचाई और ज्यादा हो जाती है, 4500 से 6000 मीटर के बीच में इसकी ऊंचाई है, 4500 से 6000 मीटर के बीच में इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। तो आप याद रखना, जबकि पश्चिम और पूरब में देखें, हिमालय के पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश सिक्किम वाले क्षेत्र में देखें, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में अगर इसकी ऊंचाई देखें तो पश्चिमी क्षेत्र में 5800 मीटर के समथिंग है औसत, सही है, जबकि इसकी निचली सीमा 3500 मीटर के समथिंग है। जबकि पूर्व में अगर हम देखें तो पूर्व में 4300 मीटर के समथिंग है औसत, जबकि निचली सीमा देखें तो 2500 मीटर के समथिंग है, मतलब नीचे से नीचे कम से कम ऊंचाई पर पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश या उसके उत्तरी क्षेत्र में 2500 मीटर की ऊंचाई पर ग्लेशियर देखने को मिल जाएंगे आपको। और अधिकतम कहाँ से देखने को मिलेंगे? 4300 मीटर की ऊंचाई से देखने को मिलेंगे भाई, ये केवल यही क्षेत्र में, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे पूर्वी क्षेत्र में, हिमालय के पूर्वी क्षेत्र में ज्यादा वर्षा पड़ती है, वनों की उपलब्धता ज्यादा है, तो इसी कारण से यहाँ पर हिमरेखा नीचाई पर पाई जाती है और ग्लेशियर ऊंचे पाए जाते हैं। तो आप इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें, स्नो लाइन से संबंधित केवल यही चीजें पूछी जाती हैं। अब भारत के प्रमुख ग्लेशियर डायरेक्ट वन लाइन में हम पढ़ने वाले हैं, आपसे डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि बातुरा ग्लेशियर कहाँ पर है या फिर चोरा बड़ी ग्लेशियर कहां पर है, तो आप एक या तो कॉलम बनाकर लिख सकते हैं भाई, नहीं तो डायरेक्ट एटलस के हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे सबसे ज्यादा ग्लेशियर आपको काराकोरम पर्वत श्रृंखला में देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा ग्लेशियर आपको काराकोरम पर्वत श्रृंखला में देखने को मिलेंगे, और काराकोरम पर्वत श्रृंखला में मुख्य रूप से ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला मान सकते हैं, सही है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में कुछ प्रमुख ग्लेशियर लिख सकते हैं आप, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, सही है, ये है सियाचिन ग्लेशियर,
सबसे बड़ा भारत का, और भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का क्षेत्र भी बना हुआ है। एक है ससाइमी ग्लेशियर या ससेनी ग्लेशियर, ये दूसरा सबसे, या ससाइनी ससाइनी ग्लेशियर, ये लद्दाख वाले क्षेत्र में है भाई। कहां पर है ये? पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला कहां पर पड़ती है? लद्दाख, और जितने भी हम पढ़ने वाले हैं वो सारे लद्दाख क्षेत्र में ही पढ़ने वाले हैं। ग्लेशियर हम लिखें या नहीं, तो आप मानकर चलें जितने भी ग्लेशियर वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख में, उसमें देखेंगे ससाइनी, अगला है बालतोरो, अगला है बियाफो, बियाफो एक है, हिस्पर, बातुरा, बातुरा ग्लेशियर, तो ये कुछ प्रमुख ग्लेशियर हैं। एक है रेमो ग्लेशियर, रेमो ग्लेशियर यहीं पर है। एक चोगो लुंगमा, चोगो लुंगमा, और यहीं पर एक पास में पड़ता है खुर्दोपिन, खुर्दोपिन ग्लेशियर, सही है। रेमो ग्लेशियर हो गया, एक है पुनमा ग्लेशियर, पुनमा ग्लेशियर, एक है कुनियांग ग्लेशियर, कुनियांग ग्लेशियर, तो ये कुछ प्रमुख ग्लेशियर हैं, आपको याद रखना है। एक ग्लेशियर और है रूपल ग्लेशियर, तो ये प्रमुख रूप से जम्मू एंड कश्मीर वाले क्षेत्र में पड़ते हैं। ये सारे के सारे जम्मू एंड कश्मीर के उत्तर में जो लद्दाख क्षेत्र है, लद्दाख क्षेत्र में हैं ये सारे प्रमुख ग्लेशियर। और जनरली सियाचिन, ससाइनी, इन ग्लेशियर के बारे में पूछा जाता है, तो आप इन्हें लिख सकते हैं, देखो सही है भाई। एक और है रुंडुन ग्लेशियर, रुंडुन ग्लेशियर, एक बार ये भी पूछा गया था पीसीएस में, तो आप लिख लें रुंडुन ग्लेशियर, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के हम देखने वाले हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर के तो देखो आप ऐसे ही लिख लें, सॉरी उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड में एक तो आपका गंगोत्री ग्लेशियर, अभी हम बात कर रहे थे भाई गंगोत्री ग्लेशियर, एक मिलाम, मिलाम ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर को आप जानते होंगे, ये जो मिलाम ग्लेशियर है कुमायूं क्षेत्र में पड़ता है, और इसी ग्लेशियर से काली नदी, सही है, या फिर इसी को यूपी में शारदा नदी का नाम दिया गया है, तो काली नदी या शारदा नदी का उद्गम स्थल यही है। अगला है देखो चोरावाड़ी ग्लेशियर, चोरावाड़ी ग्लेशियर, ये जो चोरावाड़ी ग्लेशियर है मुख्य रूप से रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। कहां पर पड़ता है भाई? रुद्रप्रयाग जिले में, जो अमरनाथ है केदारनाथ उसके उत्तर में 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर पड़ता है, और जब ये पिघलता है तो इसके पिघलने से एक झील का निर्माण होता है। याद रखना ये जो चोरावाड़ी ग्लेशियर है इसके पिघलने से एक झील का निर्माण होता है जिसे गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना गांधी सरोवर झील कहां पर पड़ती है? उत्तराखंड में, और किससे निर्मित होती है? चोरावाड़ी ग्लेशियर से निर्मित होती है। और देखो नदियों वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, एक और है पिंडारी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर ये भी पूछा जाता है भाई। पिंडारी ग्लेशियर भी जम्मू एंड कश्मीर में है, मिलाम हमने लिखी लिया। एक और है देखो ग्लेशियर, ये रब कर देते हैं, देखो उत्तराखंड वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से जहां से यमुना नदी निकलती है बंदरपुच, बंदरपुच नाम से एक हिमानी यानी कि ग्लेशियर है, तो इसे भी आप याद रखना भाई। और एक पड़ता है आपका सिक्किम में, सही है, सिक्किम में और नेपाल दोनों में विस्तृत है, आप याद रखना। जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा का
कंचनजंगा का ऊपरी क्षेत्र ग्लेशियर के रूप में ही निर्मित है, तो कंचनजंगा। और इसी पर्वत रेंज में एक और है जैमू ग्लेशियर, जैमू ग्लेशियर, तो जैमू ग्लेशियर को भी याद रखना। जैमू ग्लेशियर से ही एक नदी का उद्गम स्थल होता है तीस्ता नदी, एक नदी का उद्गम स्थल होता है तीस्ता नदी, तो इस नदी को भी याद रखना। ये मुख्य रूप से सिक्किम में पड़ती है, कहाँ पड़ती है भाई, सिक्किम में जैमू ग्लेशियर पड़ता है, तो इसे याद रखना। यही भारत के कुछ प्रमुख ग्लेशियर थे, यहीं से बल्लाइन पोषण पूछ लिया जाता है, तो आप इन्हें याद रखना। और नदियों वाले में छोटे छोटे कुछ ग्लेशियर और हैं जो प्रमुख रूप से सेपरेट नहीं पढ़ लेके हैं भाई, वो वहां पर देखेंगे हम। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें भाई, नहीं तो कमी बताएं, क्या कमी हो रही है आपके हिसाब से। थैंक यू।